तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूटीन टेस्ट फॉर मशीन्स। तो मशीन माने कौन सा, अगर आपका मोटर हो गया 3 फेज़ या सिंगल फेज़, और आपका ट्रांसफार्मर भी हो गया 3 फेज़ या सिंगल फेज़, उसका हमको टेस्टिंग करना रहता है। तो टेस्टिंग क्यों करते हैं? जब भी इंडस्ट्री में कोई भी एक ट्रांसफार्मर बन के तैयार होता है तो उसका टेस्टिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं लिया तो हमको पता नहीं चलेगा कि ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम जो टेस्ट लेते हैं उनमें से ये 4 टेस्ट मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं बस टाइटल बताने वाला हूँ, और अगले वीडियो में इसके ऊपर एक एक आपको वीडियो बना के मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर मैंने जो 4 टाइप के टेस्ट बताया है उसमें एक है रूटीन टेस्ट, सेकेंड है टाइप टेस्ट, और थर्ड है स्पेशल टेस्ट और सप्लीमेंट्री टेस्ट। तो इन 4 टेस्ट का हम देखने वाले कि इन 4 टेस्ट में कौन कौन से अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट है जो रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में क्या है कि हम जो नॉर्मल, अगर आपका जो भी ट्रांसफार्मर बन के बाहर आया, तो सबसे बेसिक बोले तो जो रूटीन, हम रूटीन में जो रोज़ का हम टेस्ट करने होता है, जो हमारा नॉर्मल टेस्ट रहता है, उनमें इन सारे टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये टेस्ट हर एक मोटर, हर एक मशीन के लिए कंपलसरी होता है, इसलिए इसको रूटीन टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट में जो यहाँ पर बता है, मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। तो इसके अंदर हम रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, डीसी रेजिस्टेंस मतलब डीसी सप्लाई वगैरह देखे। और जो सेकेंड है मेजरमेंट वोल्टेज रेशियो टेस्ट, और इसमें हम वोल्टेज रेशियो टेस्ट करते हैं। और थर्ड है मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस। नो लोड लॉस से हम इफिशेंसी भी पता कर सकते हैं। और मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इंसुलेशन का। और डाइलेक्ट्रिकल टेस्ट करेंगे ऑयल का वगैरह। और टेस्ट ऑन लोड टैप चेंज, इन जो 6 टेस्ट देख रहे हैं ये सब हमारे रूटीन टेस्ट में आता है। तो मैं जो अगला वीडियो में बनाऊंगा इन सब टेस्ट के ऊपर एक एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, थोड़ा अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा सेकेंड है टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट माने आपका टेम्परेचर राइज टेस्ट हो गया। टेम्परेचर राइज टेस्ट हम मशीन पे करते हैं। और इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, ये ऐसा नाम दिया है उसका। यह हमारा हो गया टाइप टेस्ट। उसके बाद में स्पेशल टेस्ट जो होते हैं, स्पेशल टेस्ट में ऐसे 3 टाइप आते हैं। उसमें का फर्स्ट टाइप है डायलैक्ट्रिकल टेस्ट, सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑन नो लोड करंट, ओके, और थर्ड है मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ लेवल। इन तीनों का टेस्ट हम स्पेशल टेस्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी डायलैक्ट्रिकल बताया, यहाँ पर डायलैक्ट्रिकल बताया। तो ये क्या हो गया, ये रूटीन हो गया, और हमको और स्पेशल टेस्ट करना होता है, उसमें भी डायलैक्ट्रिकल टेस्ट आता है, ओके। अभी हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री टेस्ट। तो सप्लीमेंट्री टेस्ट हम थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लेते हैं। उसमें एक तो बैक टू बैक टेस्ट रहता है, नहीं तो उसको पंस टेस्ट भी बोलते हैं, और इफिशेंसी टेस्ट भी हम लेंगे। और ये सब हम टेस्ट होने के बाद एक सर्कल डायग्राम देखने वाले, उस सर्कल डायग्राम में हम इन सब टेस्ट का, इन सब का नहीं पर मोटर में या ट्रांसफार्मर में जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी उसका इफिशेंसी, उसका रेगुलेशन, वोल्टेज रेशियो,
वो सब हम सर्कल डायग्राम में देखने वाले हैं। कि सर्कल डायग्राम होता है, उसमें हम हर एक चीज़ का, हम मोटर का हर एक चीज़ देख सकते हैं, माने हम उसका टोटल लॉस देख सकते हैं, टोटल उसका एफिशिएंसी देख सकते हैं, कितना लॉसेस हो रहा है वाइंडिंग में, वाइंडिंग का इंसुलेशन क्या है, हम वो लास्ट में देखेंगे व्हाट इज़ अ सर्कल डायग्राम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है जो कि हम मशीन के ऊपर करने वाले हैं। तो मैं जो अगला वीडियो में बनाने वाला हूँ वो हर एक टेस्ट के ऊपर होगा। तो अभी मैं बता दूँ क्या क्या होता है इन टेस्ट में। तो मेजरमेंट डीसी रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, ये डीसी रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का। हाँ, उसमें क्या करेंगे, हम एक होल्ट मीटर यूज़ करेंगे और डीसी सप्लाई देंगे, और डीसी होल्ट मीटर यूज़ करेंगे, उसके हम डीसी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो, उसके अंदर वोल्टेज रेशियो करेंगे कितना बाय कितना है, हाँ ये टेस्ट यूज़ करके। यहाँ पर थर्ड है मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस, नो लोड लॉसेस और मतलब आपको ओपन सर्किट टेस्ट हो गया एक टाइप का, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो रहता है वो फुल लोड टेस्ट बोलते हैं, फुल लोड लॉस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस में हम आयरन लॉसेस पता कर सकते हैं नो लोड लॉसेस में। तो हम उस वीडियो में देखने वाले डिटेल में कि कैसा लॉसेस फाइंड कर सकते हैं और कैसा हम उसको कम कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन हम मेजर करने वाले हैं कि दो वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन है, बॉडी और वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन है, दो वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन है, कोर और वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन है, वो हम इस टेस्ट में देखने वाले हैं। जो पांचवा है वो डायलैक्ट्रिकल टेस्ट, हम ऑयल का टेस्ट करते हैं उसको डायलैक्ट्रिकल टेस्ट बोलते हैं। वो ऑयल क्या एक टाइप का इंसुलेशन हो गया, उस इंसुलेशन का भी कैपेसिटी रहता है कि वो ऑयल कितने कितने हाई हाई वोल्टेज तक वो डिप हाई मेंटेन रहेगा, उसमें ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए हम डायलैक्ट्रिकल टेस्ट करते हैं, जो भी हम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका डायलैक्ट्रिकल टेस्ट यूज़ करके ही उसके अंदर इनर्ट किया जाता है। तो सिक्स्थ है टेस्ट ऑन लोड टैप चेंजर, टैप चेंजर जो हम यूज़ करते हैं उसका भी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बी है टाइप टेस्ट, टाइप टेस्ट में टेम्परेचर राइज टेस्ट। टेम्परेचर राइज क्यों होता है, तो एक तो लोड वेरिएशन की वजह से होता है। हाँ, तो उस टेम्परेचर राइज जो होता है मोटर में या ट्रांसफार्मर में, वो कितने कितना ज़्यादा कितना स्पीड से कितने लोड में हम होते हैं वो देखने वाले हैं। और इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, ये भी हम टेस्ट करने वाले हैं, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में। यह है स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट में भी डायलैक्ट्रिकल टेस्ट आ ही गया। और सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक और नो लोड करंट, हम इस टेस्ट में हार्मोनिक का भी मेजरमेंट करेंगे कितना हार्मोनिक होता है नो लोड करंट में। और जो थर्ड है मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ लेवल, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें नॉइज़ लेवल होता है जो कि कोर की वजह से कोर वगैरह ढीला बिठा दिया, तो उसमें नॉइज़ लेवल होता है, और कोई अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं कि जिसके वजह से नॉइज़ लेवल बढ़ता है, उसका भी हम टेस्ट करेंगे कि कैसे नॉइज़ लेवल कम कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सा पैरामीटर जो कि नॉइज़ लेवल को क्रिएट करता है, ये भी हम देखने वाले हैं। और डी के सप्लीमेंट्री टेस्ट, सप्लीमेंट्री टेस्ट में क्या है, बैक टू बैक टेस्ट जो है, बैक टू बैक टेस्ट में हम एक जो हम नॉर्मली शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं उसको दोनों का कॉम्बिनेशन, माने आपका बैक टू बैक टेस्ट हो गया। उस बैक टू बैक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि नो लोड लॉसेस और फुल लोड लॉसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही सर्किट में। तो उसमें क्या किया जाता है कि दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सेम रेटिंग के, उसके वजह से हम इजीली हम उसका इफ़िशेंसी फाइंड कर सकते हैं।
और जो है हम सेकंड एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं इसमें। तो इन सब टेस्ट के बारे में डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसा ये टेस्ट किया जाता है और कैसा ट्रांसफार्मर या मोटर हम पूरी तरह से टेस्ट करके हम मार्केट में ला सकते हैं। तो धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो के बाद में एक एक टेस्ट का मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। तो आपको जो भी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।